फखर जमान ने आके प्लेट सम अनबिलीवेबल शॉट्स, लंबे लंबे छक्के मारे, जो उनका ग्रिप है उससे पता लगता है कि है ना मोर और सो बॉटम हैंडेड प्लेयर। सारे छक्के जो देखने मिले वो सारे मिड विकेट या मिडॉन की तरफ थे, तो उनका बॉटम हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और लेंथ अच्छी पिक की उन्होंने। फखर जमान जबरदस्त, हमें एक ट्रॉफी हरा चुका है आदमी, अकेला ही हरा चुका, जो आपने नो बॉल करी उसके बाद से सेंचुरी मार दी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इसी ने जिताई थी, 50 ओवर था, वनडे इंटरनेशनल था, तो वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपको फखर जमान हरा चुका है, याद रखिएगा। और मैं बार बार ये बोलता हूँ, बाबर आजम के जितने मर्जी फैन होंगे, एज एन इंडियन भी मैं बोलता हूं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं फखर जमान को। ही इज टोटल आउट एंड आउट मैच विनर, उसका कुछ नहीं पता, जिस दिन वो चलेगा वो अकेला मैच जिता देगा। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल T20 का भी इस आदमी ने जिता ही दिया था, वो तो इनकी बेवकूफी है कि हार गए, वरना जो इसने मार मारी थी स्टाक को और कमिंस को, तो चार छक्के मार दिए थे इसने बीच में, स्कोर कहां पहुंच गया था, इनको जीतना चाहिए था, बट ठीक है, फिर वार्नर ने आके तोड़ दिया और अफरीदी ने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, शाहीन अफरीदी ने। पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान का शानदार फॉर्म जारी है। आधे घंटे बाद मैंने वैसे ही दोबारा ट्विटर देखा और पता चला कि फखर जमान ने वहां पे आग लगा दी हुई है, जब मैंने आपको वो भी कहा। अब फखर जमान ऐसी इनिंग खेल गए